कर्नाटक में शुक्रवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। राज्य के हावेरी जिले में पुणे बेंगलुरु नेशनल हाईवे पर एक सड़क हादसे में 13 लोगों की मौत हो गई। सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वाले 13 लोगों में एक बच्चा भी शामिल है। नेशनल हाईवे पर हुए हादसे में घायल लोगों को अस्पताल में भर्ती भी करवाया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। ये सड़क दुर्घटना उस वक्त हुई जब टेम्पो ट्रैवलर पुणे बेंगलुरु नेशनल हाईवे से गुजर रहा था। उसने हाईवे पर पार्क लॉबी को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। ये टक्कर इतनी ज्यादा जोरदार थी कि ट्रैवलर का आगे का हिस्सा पूरी तरह से चकनाचूर हो गया। आगे बैठे हुए लोगों के शव तो ट्रैवलर से बुरी तरह से चिपक गए। घटना की तस्वीरें भी सामने आई हैं, जिसमें रेस्क्यू करने पहुंची टीम को ट्रैवलर को हटाते हुए भी देखा जा सकता है। ट्रैवलर को इस हादसे में काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि हादसे के पीछे की असल वजह क्या रही है, मगर कहा जा रहा है कि ट्रैवलर की रफ्तार काफी ज्यादा थी, जिसकी वजह से उसकी टक्कर लॉबी से हुई। ऐसा इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि सड़क किनारे खड़ी लॉबी में तभी टक्कर हो सकती है जब ट्रैवलर के ड्राइवर का उस पर काबू नहीं हो। आपको बता दें कि ये तस्वीरें हावेरी से इस वक्त सामने आ रही हैं, जहां पर ये दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। आप तस्वीरों में भी दिखा सकते हैं कि किस तरीके से रेस्क्यू किया जा रहा है, और वहां पर ये ट्रैवलर की टक्कर एक लॉरी से हो गई। ये हादसा देर रात हुआ, जहां इस हादसे में 13 लोगों की मौत की खबर भी सामने आ रही है।